तो झारखंड में सत्ता ने करवट ली और लालू यादव के दिन बदल गए। महागठबंधन की सरकार बनने की प्रक्रिया के बीच चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर पेइंग वार्ड के बरामदे में जनता दरबार लगा रहे हैं। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद धड़ल्ले से नियम की धज्जियां उड़ा जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो जरा ध्यान से इस एक्सक्लूसिव फोटो को देखें, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आराम से बैठे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। यही नहीं, इनके अलावे भी बिहार के आरजेडी नेता जनार्दन प्रसाद आजाद और कई अन्य लोगों ने भी खुलेआम लालू से मुलाकात की। लालू से मिलकर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। तबीयत उनका ठीक नहीं है और मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट को इनको पैरोल पर छोड़ना चाहिए या कहीं बाहर रांची से बाहर इनका इलाज कराना चाहिए। मैंने कि हमारी सरकार हमारे मदद से हेमंत सोरेन जी की सरकार बन रही है और काफी खुश है। वैसे तो जेल प्रबंधन ने लालू यादव से मुलाकात का दिन शनिवार को तय किया है। गुरुवार को लालू यादव से कई लोगों ने खुलेआम मुलाकात की और इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों तक को नहीं है। होने वाले मुख्यमंत्री जो थे वही आए थे मिलने, बस उसके विषय में जानकारी नहीं है। नहीं, हमको जानकारी नहीं है। अरे ये हमको जानकारी नहीं है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लालू यादव की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। और कैसे लालू यादव बीमार होते हुए भी खुलेआम दरबार लगा रहे हैं, जबकि मिलने वालों की सूची मुलाकाती रजिस्टर में भी दर्ज नहीं। बहरहाल देर शाम जेल प्रबंधन ने हेमंत सोरेन समेत कुल तीन लोगों के मुलाकाती की परमिशन को स्वीकार किया है, मगर तस्वीर में मौजूद अन्य लोगों ने लालू से कैसे मुलाकात की, ये एक सवाल है। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम रिम्स के पेइंग वार्ड में जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है। लालू प्रसाद यादव ने रिम्स में जनता दरबार लगाया और इस खुले जनता दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह के अलावा राजद के कई बड़े नेता भी इस जनता दरबार में मौजूद थे। सत्यव्रत किरण, न्यूज 11, रांची।